जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान समसामयिक और तार्किक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे आज का अपने यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो आज का यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ट्वेंटी में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया था तो इसमें भारतीय वायुसेना के साथ जो है किस देश ने भाग लिया था तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रांस यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है फ्रांस आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर दो पूछा है ट्रांस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक थी इसमें भारत की रैंक बताना है क्वेश्चन नंबर दो में भारत की कितनी रैंक थी तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो का राइट right आंसर है छियासीवा छियासी भी रैंक थी भारत की तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तीन आपसे यहाँ पर पूछा है निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है केरल पश्चिम बंगाल तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर तो आपका यहाँ पर सही आंसर है तीन का विकल्प नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका चार पूछा है किस संगठन ने जनवरी दो में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं तो किस संगठन ने किए हैं तो क्वेश्चन नंबर चार का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आई ई e, ए आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पांच पूछा गया है किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वाइंट्स कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की है तो किसने की है भागीदारी तो क्वेश्चन नंबर पांच का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि अमेजन वेब सर्वसेज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर छ पूछा गया है क्या पूछा है कि देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पर दिया संयुक्त तो राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य कूट यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छः का सही आंसर है आपका एक दो तीन एक दो तीन आपकी ये जो है तीनों सही है तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सात क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर सात आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सात देखिए भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी तो भारत में नए संसद की जो आधारशिला रखी गई थी वह किस तिथि को रखी गई थी तो 10 दिसंबर 2020 को तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ पूछा है यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं कौन इससे सम्मानित किए गए हैं तो क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर है आपका रणजीत सिंह दिसे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नौ है कि फार्मूला बन कार रेस बहरीन ग्रांड फ्रेक्ट्स दो के विजेता कौन है तो दो के विजेता पूछा है तो आपका सही आंसर है नौ का बी यानी कि लुइस हैमिल्टन आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर दस पूछा है बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं और आपका क्वेश्चन नंबर दस का डी राइट आंसर है एक दो तीन एक दो तीन आपके यहाँ पर सही आंसर है ये तीनों कथन सत्य हैं क्वेश्चन नंबर आपका ग्यारह पूछा है क्या पूछा है तो देख लेते हैं यहाँ पर त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं ने तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जैनियों से बौद्धों से से हिंदुओं से ग्यारह का राइट आंसर है आपका बौद्धों से विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है का। है का का क्वेश्चन नंबर पाल वंश पहला शासक कौन था पाल वंश का पूछा है तो बारह का राइट आंसर होगा आपका गोपाल पाल वंश का पहला शासक कौन था तो गोपाल बारह का सी राइट आंसर आपका यहाँ पर किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नीव रखी थी वह कौन से शासक हैं तो तेरह का राइट आंसर बताना है और तेरह का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है यानी कि जासुद्दीन तुगलक आपका सही आंसर है जासुद्दीन तुगलक क्वेश्चन नंबर चौदह पूछा है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था तो किस वर्ष पराजित किया था तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका चौदह और चौदह का भी राइट आंसर है पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी में क्वेश्चन नंबर आपका पंद्रह पूछा है पंच महल किस किस में स्थित है हवा महल में फतेहपुर सीकरी में या फिर ग्वालियर का किला में या आगरा का किला में पंचमहल किस में स्थित है पंद्रह का राइट आंसर है सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में बासकोटी गामा जो थे ये किस वर्ष से काली तट में उतरे थे ये आपको बताना है गामा किस वर्ष काली तट में उतरा था तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि चौदह में क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 17 क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर सत्रह आपका यहां पर दिया गया है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ए है महाल क्या पूछा है महाल वाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई ये महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ पर लागू की गई तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नंबर अठारह महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी क्वेश्चन नंबर अठारह और अठारह का सही आंसर है बी आपका उन्नीस आपका यहाँ पर सही आंसर है उन्नीस में क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर उन्नेस है कि 1947 में लॉर्ड मॉन्टबैटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी थी तो सीमा आयोग के अध्यक्ष जो बनी थी कौन बनी थी तो 19 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर डी यानी कि सिरिल सिरिल रेडक्लिफ आपका यहां पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बीस है सत्य महाकाव्य कहां से उद्धृत है तो सत्य मेजी महाकाव्य है और कहाँ से उद्धृत है तो आपका सही आंसर है बीस का सी यानी कि मुंडक उपनिषद से आपका सही आंसर होगा इक्कीसवा क्वेश्चन पूछा है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है दूसरा छठा चौथा सातवा क्षेत्रफल के आधार पर बताना है तो इक्कीस का डी राइट आंसर होगा आपका सातवा बिल्कुल सही इक्कीस का डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका बाईस पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है नहीं है पूछा है उत्तराखंड में स्थित नहीं है तो बाइस का राइट आंसर है आपका शिप किलाइस का बी राइट आंसर है निम्नलिखित में से से कौन सी नदी थार रेगिस्तान होकर बहती है वह नदी आपके लिए बताना है कौन सी वह नदी है तो तेईस का सही आंसर सी राइट आंसर है लूनी लूनी आपका यहाँ पर सही आंसर है लूनी बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर चौबीस पूछा है टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है तेरा रोसा शब्द का तात्पर्य बताना है तो चौबीस का सही आंसर है आपका लाल मिट्टी से लाल मिट्टी से इसका तात्पर्य है बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा फल उत्पादक है तो बताइए कौन सा है तो पच्चीस का सही आंसर है तो भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा फल उत्पादक है दूसरा चौथा तीसरा पांचवा राइट आंसर है पच्चीस का आपका ए यानी कि दूसरा आगामी भी जनजा आगामी आगामी भी जनजातियां हैं जो रहती हैं अंडमान निकोबार में नागालैंड में मिजोरम में राजस्थान में तो आगामी ये कहां पर रहती हैं ये जनजातियां छब्बीस का सी राइट आंसर है नागालैंड में नागालैंड आपका राइट आंसर है ड्राम ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके चेयरमैन पूछा है में तो सत्ताईस का डी राइट आंसर है यानी कि आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पूछा है कि भारत है, क्या पूछा है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र पत्र किसको सौंपता है तो मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष को अट्ठाइस का सही आंसर है आपका बी यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना पत्र सौंपता है क्वेश्चन नंबर उनतीस पूछा है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है क्वेश्चन नंबर उन्तीस में क्वेश्चन नंबर उन्तीस में बताना है और उनतीस का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि पच्चीस वर्ष पच्चीस वर्ष आपका सही आंसर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है बताइए क्वेश्चन नंबर तीस का राइट आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीस का सही आंसर तो तीस का राइट आंसर है डी यानी कि चार वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इकतीस क्या पूछा है तो एक तेईसवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा कि भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के, के द्वारा किया गया था तो भाई कौन सी समिति है तो एक का सही आंसर बताना है और एक का सही आंसर है बलवंत राय बलवंत राय आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बत्तीस है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया वह कौन सा अनुच्छेद है तो भारत 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 पद्मश्री को प्रारंभ है तो भारत सरकार ने तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत तो बत्तीस का राइट आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद अठारह क्वेश्चन नंबर आपका तेत से किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है कौन सी घोषणा करती है तो तेतीस -ते का आपका जो सही आंसर है वह घोषणा करती है कौन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपका भी राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है क्या पूछा है तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौंतीस का आंसर बताना है और चौंतीस का विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर ब्याज का भुगतान ब्याज का भुगतान आपका सही आंसर है रोजगार के अवसरों की कमी की सब सही सबसे सही व्याख्या है क्वेश्चन नंबर पैंतीस पूछा है आपसे रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है तो पैंतीस का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर पैंतीस का विकल्प नंबर क्या होगा पैंतीस का बी राइट आंसर है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं ये जो है विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है देशों के बीच में लोगों का संचलन या लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन या देश के देश में लोगों का संचलन या एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन तो छत्तीस का आंसर बताना है और राइट आंसर विकल्प नंबर एक देशों के बीच में लोगों का संचलन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सैंतीस पूछा भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा, जा चुका है एग्जाम में है कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए कैसे उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका सही आंसर होगा सैंतीस का विकल्प नंबर ए सीसमोग्राफ सी सीसमोग्राफ आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था तो सर्वप्रथम परिस्थितिक तंत्र का जो परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था अड़तीस का राइट आंसर है ए यानी कि ए टेंसले आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर उनतालीस पूछा निम्न प्रदूषक एजेंडों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है बताइए क्वेश्चन नंबर उनतालीस का सही आंसर आपका क्या होगा उनतालीसवा क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर उनतालीस का बी यानी कि सी एफ सी आपका राइट आंसर है सी एफ सी बिल्कुल सही आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर चालीस पूछा नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं इस फर्नेस को क्या कहा जाता है इस फर्नेस को क्या कहा जाता है तो 40 का आंसर है इस फर्नेस को कहा जाता है क्या आपका राइट आंसर है इनसेनरेटर आपका राइट आंसर होगा दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर इकतालीस का आंसर बताना है और इकतालीस का राइट आंसर क्या होगा इकतालीसवा क्वेश्चन है विकल्प नंबर लेक्टोमीटर जो एक दिया गया है वह आपका सही आंसर है लेक्टोमीटर बिल्कुल सही आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बयालीस दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है क्वेश्चन नंबर बयालीस में बताना है तो बयालीस का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है बयालीस का राइट आंसर है डी यानी कि संचयक सेल आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका तैतालीस पूछा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है दो अनुपात एक आठ अनुपात एक एक अनुपात दो एक अनुपात आठ तो क्वेश्चन नंबर तैतालीस का सही आंसर है यहाँ पर अनुपात में बताना है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है तो तेतालीस का डी राइट आंसर है एक अनुपात आठ आपका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न पकने वाले बर्तन की सतह पर लिपित किया जाता है वह कौन सा पदार्थ है वह पदार्थ आप यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर है आपका 44 और डी राइट आंसर है टेपलोन आपका सही आंसर है टेपलोन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से खालिस्तान होता है तो इसमें क्या होता है हमारे पेट में स्थित पाचक रस के रूप में रस में मुख्य रूप से क्या हो, खालिस्तान होता है तो आपका पैंतालीस का सी राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलीहा फेफड़े लीवर या अस्थियां तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और मलेरिया से जो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह अंग कौन सा है तो आपका राइट आंसर प्लीहा पलिया विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है देखिए तापमान का थर्मोमीटर हो जाएगा आर्द्रता का यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है तापमान ता, थर्मामीटर थर्मोमीटर और आर्द्रता का यहाँ पर हो जाएगा सैंतालीस का सी यानी कि हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर हो जाएगा यहाँ पर फिर यहाँ पर आपके जो तीन क्वेश्चन है वह आपके यहाँ पर अड़तालीस उनचास पचास ये आपके जो है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन हैं तो इनको छोड़ देते हैं तो इस चार रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है तो आचार रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है ये आपको यहाँ पर बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और आपका, पर आपका, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही 1700 से 1900 तो आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बाउन पूछा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है हजारी प्रसाद द्विवेदी रामकुमार आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, हाँ पर जो त्रेपन व पूछा है कि निम्न लिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है देखिये नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर तो नहीं में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर नहीं में आपका बी राइट आंसर हिंदी साहित्य की आलोचना ये जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी क्वेश्चन नंबर आपका चौगन पूछा है शिव सह सरोज का रचना काल है शिव सह सरोज का रचना काल कितना है आपके लिए बताना है चार विकल्प भी दिए गए क्वेश्चन नंबर चौगन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है सह सर्वोच्च का रचना काल तो चंगन का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है अठारह ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है अठारह ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पचपन है निम्नलिखित में से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है नहीं हुआ है पूछा है आपसे तो नहीं हुआ है जम्मू स्वामी रास में पहाड़ दोहा हम या महाप्राण तो क्वेश्चन नंबर पचपन का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर छप्पन आपसे यहाँ पर पूछा गया है बारह बरस लो कुकर जिय अरु तेरह लो एक ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर छप्पन का आंसर क्या होगा? जीए लो लो कुकर और ये पंक्ति आपका राइट आंसर होगा जगनिक किसकी है जगनिक यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर संतावन पूछा है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल या अभट्ट अभ्रंश या संधा तो क्वेश्चन नंबर संतावन का सही आंसर क्या होगा कि जो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संतावन का आपका होगा विकल्प नंबर डी यानी कि संधा आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अंठावन पूछा है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कभी कौन है दादू दयाल है गरीब दास है हरिदास है या सुंदरदास हैं है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कभी है? तो आपके हैं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि हरिदास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही हरिदास आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर उनसठ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है तो यहाँ पर सुमिलित है पूछा है आपसे तो कौन सा सुमिलित है पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सुमिलित है जो भाई कौन सा है द्वैत इत, द्वैता द्वैतवाद ये नंबार ये आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है ये आपका सुमिलित है द्वैता द्वैतवाद ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर साठ पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है कबीर दास का जन्म कब माना जाता है तो साठ का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर साठ का राइट आंसर होगा सी यानी कि विक्रम संवत चौदह सौ पचपन आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर इकसठ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है देखिए नहीं पूछा है तुलसीदास जी की नहीं है रचना कौन सी नहीं है तो एकसठ व क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर होगा सल क्वेश्चन है और चेत्रावली आपका सही आंसर है चेत्रावली आपका राइट आंसर है एकसठ का डी क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बासठ पूछा है क्या पूछा है तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बासठ देखिए गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा था सूरदास भिकारी कबीरदास या तुलसीदास बासठ का सही आंसर बताना है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा था तो का डी राइट आंसर है यानी कि तुलसीदास तुलसीदास पर सही आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर आपका तिरसठ पूछा है राजपंचाध्याय का रचेता जो है वे कौन है आपको यहाँ पर बताना है तो राजपंचाध्याय के रचेता यहाँ पर कौन है नंददास है परमानंद दास है या कृष्णदास है या रसखान है क्वेश्चन नंबर तिरसठ है और चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है नंददास आखिरी में आपके लिए बताना है यहाँ पर सौ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बनी हैं तो आप जरूर बताएं कमेंट में और वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौसठ पूछा है भाषा भूषण ग्रंथ की रचयिता कौन थी तो भाषा भूषण ग्रंथ की रचयिता आपसे पूछा है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण कवि कुलपति मिश्र या सह चौसठ का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी महाराज जसवंत से आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर पैंसठ पूछा है नम्नाकित में से किस ग्रंथ की सभी काव्यांगों का विवेचन का सर्वांग विवेचन किया गया है तो किस ग्रंथ की सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर पैंसठ का कवि कुल कल्प तरू यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है निम्नलिखित ग्रंथों का उनकी रचनाकारों के साथ सम्मेलन करना है पर। यहां पर यहाँ पर तो देखिए यहां पर है निम्नलिखित ग्रंथों का उनकी रचनाकारों के साथ सही सुमेलन है तो सही सुमेलन है कौन सा है यहाँ पर बताना है तो आपका छियासठ का सही आंसर क्या होगा छियासठ का आपका राइट आंसर होगा विष्णुपद कीर्तन रसनिधि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर छियासठ का सी राइट आंसर है बिल्कुल सही छियासठ का जिन्होंने सी बताया उनका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाकवि भूषण की रचना है महाकवि भूषण की रचना कौन सी है बताइए रेणुका है दीप है चिदम्बरा है या छत्रसाल दशक है क्वेश्चन नंबर सड़सठ पूछा है और राइट right आंसर होगा सड़सठ का छत्रसाल दशक आपका सही आंसर है महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक क्वेश्चन नंबर आपका अड़सठ क्या पूछा ललित ललाम किसका ग्रंथ है ये ग्रंथ आपके लिए बताना है ये ग्रंथ किसका है तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है ललित ललाम किसका ग्रंथ है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अड़सठ का विकल्प नंबर डी यानी कि मतीराम आपका सही आंसर है मतीराम आपका यहाँ पर सही आंसर है मतीराम जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर उनहत्तर पूछा है क्या पूछा है भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीन की यह जो है किस कवि के छंद की पंतियां छंद की पंक्तियां तो किस कवि रत्नाकर देव पद्माकर या क्वेश्चन नंबर का सही आंसर बताना है द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है तो बालाबोधनी है, बाल है या बाल विनोद है बाल विनोदी बालाबोधनी विकल्प नंबर ए सही आंसर है बाला बोधनी। बाला बोधनी, बाला बोधनी, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ क्वेश्चन नंबर इकहत्तर का राइट आंसर बताना है तो इकहत्तर का आपका जो सही आंसर है भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ तो इकहत्तर का राइट आंसर विकल्प नंबर सी उन्नीस सौ बारह में बारह ईस्वी में छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत उद है यह उद्घोष है तो यह उद्घोष किसका है ये आपको बताना है महादेव वर्मा जयशंकर प्रसाद नंदलाल बिहारी वाजपेयी या रामविलास शर्मा तो बहत्तर का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक महादेवी वर्मा बहत्तर का ये राइट आंसर बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर तिहत्तर आपसे पूछा प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे तो तिहत्तर का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है तिहत्तर का राइट आंसर क्या है तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि प्रेमचंद्र प्रेमचंद आपका सही आंसर होगा मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है

क्वेश्चन नंबर छिहत्तर आपसे यहां पर पूछा गया है क्या पूछा गया है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छिहत्तर पूछा है की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुखी, मुखी स्वर बताने हैं आपके लिए कौन सा है यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर छिहत्तर है और छिहत्तर का जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर एक यानी की ई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए राइट आंसर है अघोष वर्ण कौन सा है यहां पर का चयन करना है अघोष वर्ण कौन सा है चार विकल्प है। आपके यहाँ पर दिए गए हैं और अठहत्तर का सभी के लिए पता होगा अल्प ब्राह्म का चिन्ह ये है अल्प ब्राह्म का चिन्ह सभी लोग जानते होंगे तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर उन्यासी है भगू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है शुद्ध वर्तनी यहाँ पर दोष चरित्र का जो है शुद्ध वर्तनी आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर उन्यासी में आपका जो सही आंसर है दोष चरित्र होगा यहाँ पर दुष्चरित्र लिखा है दुष्चरित्र आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर ए राइट आंसर है।, है।, है, है इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है बताइए कौन सी वह वर्तनी है जो अशुद्ध है इन नामों में से तो का यहाँ पर जो सही आंसर है अस्सी का डी राहुल सान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर इक्यासी पूछा है संज्ञा का भेद नहीं होता व्यक्तिवाचक निजवाचक जातिवाचक या भाववाचक क्वेश्चन नंबर इक्यासी है संज्ञा का भेद नहीं होता है तो निजवाचक विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही वेधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है वैद्य वैधानिक या विवाह तो आपका यहाँ पर ब्यासी का सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर बयासी का विकल्प नंबर सी यानी कि विधवा आपका पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पर तेरासी पूछा की निम्न लिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है बताइए मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए क्रियार्थक संज्ञा बताना है आपके लिए मंत्री जी व्यवस्था ठहरने कीजिए तो बताइए तेरासी का सही आंसर है क्रिया जो संज्ञा है इसमें तो तेरासी का विकल्प नंबर बी यानी कि ठहरनी आपका सही आंसर होगा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे उत्त, उत्तम पुरुष है अन्य पुरुष है मध्यम पुरुष है इनमें से कोई नहीं चौरासी का सही आंसर बताना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है तो चौरासी का राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानी कि उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर पचासी निम्नलिखित में ऐसी क्या एक निश्चय वाचक सर्वनाम है निश्चय वाचक सर्वनाम क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौरासी पचासी का सही आंसर बताना है तो आपका राइट आंसर है निश्चय वाचक में यह आपका सही आंसर होगा यह आपका सही आंसर है निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा क्रोध दौड़ या शांत क्वेश्चन नंबर छियासी का सही आंसर बताइए यहाँ पर आपके लिए विशेषण शब्द बताना है तो छियासी का सही आंसर है आपका विशेषण में शांत आपका सही आंसर होगा विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं प्रयुक्त विशेषण है कौन सा विशेषण है यहाँ पर आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर सतासी में विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सतासी का सही आंसर होगा बी यानी कि गुणवाचक विशेषण बिल्कुल सही बहुत बढ़िया गुणवाचक राइट आंसर है यदि मुड़ना यहाँ पर क्या लिखा है यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी मोड़ मोड़ना मुड़ जाना या मुड़वाना देखिए मुड़ना ये अगर अकर्मक क्रिया तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी तो अट्ठासी का सही आंसर है सी यानी कि मोड़ना मोड़ना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है तो अकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया अज्ञातक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया तो आपका नवासी का सही आंसर होगा यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया विकल्प नंबर डी राइट right आंसर है कौन सा पद विकृत नहीं होता कौन सा पद विकृत नहीं होता तो नब्बे का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर नब्बे का बी यानी कि अवयव अभयव आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन क्या पूछा है पर कि अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया जाता है बारह तेरह चौदह पंद्रह ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि तेरह भागों में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथी का स्त्रीलिंग बताने हैं आपके लिए हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा तो बानवे का सही आंसर आपको बताना है और हाथिनी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है प्रोस यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर तिरानवे पूछा पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है एक बचन दुई वचन बहुवचन यात्रि क्वेश्चन नंबर तिरानवे का राइट आंसर होगा पुस्तक रखी है इसमें वचन है एक वचन कौन सा वचन है एक वचन विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है खालिस्तान निम्न में ऐसी कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है वर्षा हुई शायद वर्षा हुई होगी वर्षा अभी अभी हुई या कुछ समय पहले वर्षा हुई थी यहाँ पर आपके लिए सामान्य भूतकाल का वाक्य बताना है तो चौरानबे का एक राइट आंसर है वर्षा हुई वर्षा हुई तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए, आपका जो से यहाँ पर से ए, कौन सा कारक है अपादान कारण कर्म या अधिकरण तो पंचानवे का सही आंसर विकल्प नंबर एक यानी कि अपादान अपादान सही आंसर कानो सुनी बात पर यकीन मत करो रेखांकित पद का कारक बताइए कानो सुनी तो यहाँ पर आपके लिए रेखांकित पद का कारक बताना है कर्ता कर्म करण या संप्रदान तो छियानवे का सही आंसर है आपका सी यानी कि करण आपका सही आंसर होगा चौकी का तत्सम शब्द क्या है बताइए ये आपका चौकी है और इसका तत्सम शब्द क्या है तो क्वेश्चन नंबर संतानवे है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर संतानवे का सही आंसर बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी चतुष चतुष्पाधि का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा यहां पर है पूछा है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है देशज विदेशज तत्सम या तद्भव क्वेश्चन नंबर है आपका अंठानवे खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है अंठानवे का विकल्प नंबर ए सही आंसर है यानी कि देशज दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर तो नहीं में बताइए अतिथि अत्यंत अत्यधिक अतिरिक्त तो अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है तो का ए राइट आंसर अतिथि अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका सौ बा क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में प्रत्यय शब्द प्रत्यय रहित शब्द है प्रत्यय रहित शब्द बताना है दर्शनीय भिक्षुक ने या दुर्गुण या कर्तव्य क्वेश्चन नंबर सौ पूछा है और दुर्गुण जो आपके यहाँ पर दिया है वह आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक सौ एक है आचार्य का विलोम शब्द क्या होगा अनाचार अत्याचार अनाचार या विचार आचार का विलोम बताना है तो आपके यहाँ पर सही आंसर है आचार्य का विलोम होगा क्वेश्चन नंबर एक सौ एक का अनाचार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक सौ दो है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा निंदा का विलोम बताने हैं आपके लिए निंदा का विलोम क्या होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 और इसका सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर स्तुति स्तुति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 103 सौ तीन पूछा है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं उत्तंठा के समानार्थी शब्द आपके लिए बताना है बताइए उत्कंठा के समानार्थी शब्द है तो एक सौ तीन का राइट आंसर विकल्प नंबर सी उत्सुकता और अभिलाषा विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा प्राची का शब्द कौन सा है प्राचीन, पूर्व, एक चार का सही आंसर बताना है प्राची का पर्यावाची तो एक सौ चार का सी राइट आंसर है पूर्व पूर्व आपका सही आंसर है इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में अंग्रेजी में भिन्न होता है तो बताइए इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 105 का विकल्प नंबर बी यानी डोंगरी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 106 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 106 है संधाओं का आशय निम्न में से कौन नहीं है नहीं है पूछा है आपसे नमक घोड़ा सोना या समुद्र तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है आपका सोना आपका यहाँ पर राइट right आंसर है बिल्कुल सही सोना विकल्प नंबर बी श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द की जोड़ों को पहचानना है यहाँ पर तो पहचानिए भाई जोड़े कौन है क्वेश्चन नंबर 107 में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है 107 का वह ए राइट आंसर है अपेक्षा उपेक्षा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा श्रुति शब्द योग में की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी का सही जोड़ी को पहचानना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 में तो 108 में आपका राइट right आंसर है यहाँ पर 108 में ए यानी कि कुल कुल आपका सही आंसर होगा जिसके पास कुछ भी ना हो तो इसके लिए एक शब्द आपके लिए यहाँ पर बताना है जिसके पास कुछ भी ना हो तो क्या होगा एक शब्द तो 109 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि अकिंचन अकिंचन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 109 का 110 है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है सही शब्द कौन सा होगा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है तो 110 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है आपका सही आंसर है महाधन ईस का संधि रूप होगा तो महाधन ईस का संधि रूप जो होगा एक ग्यारह का वह आपका राइट आंसर सी आन की महेश क्वेश्चन नंबर एक बारह है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए सदानंद का संधि विच्छेद करना है तो एक बारह का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर ए आन की सत्य धन आनंद आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक है निम्न में से कर्म धारा समाज का उदाहरण कौन सा है बताइए कर्म समास का कर्म समास का उदाहरण बताना है तो 113 का ये राइट आंसर है यानी कि प्रिय सखा आपका सही आंसर है कर्मधाराए संभव में कौन सा समास है संभव में कौन सा समास है चार विकल्प है सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और अपने यहाँ पर सही आंसर है एक का विकल्प नंबर ए यानी कि अव्यविभाव आपका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से वाक्य का प्रकार क्या है वाक्य का प्रकार क्या है बाह्य क्या सुंदर दृश्य है इसमें आपके लिए वाक्य का प्रकार बताना है तो क्वेश्चन एक सौ पंद्रह का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है 115 सौ पंद्रह का राइट आंसर विकल्प नंबर ए राइट आंसर है 115 सौ पंद्रह का यानी कि विश्व आदि बोधक विकल्प नंबर ए सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 116 पूछा है शीला आई और अंधे को सहारा दिया यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है सही विकल्प बताइए किस वाक्य भेद का उदाहरण है, तो है, है सत्रह कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस युक्त वाक्य के, के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है मेरे से पढ़ा नहीं जाता इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट right आंसर है मुझसे पढ़ा नहीं जाता मुझसे पढ़ा नहीं जाता विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका एक पूछा गया है कि शिक्षक के द्वारा ऐसी नागरिक कल्याण के लिए या अपना सर्वस्व बलिदान तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण और राष्ट्र करने को तैयार यहाँ पर आपके जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं देखिए यहां पर देख लेते हैं ये आपके कूट भी दिए गए हैं क्या हैं यहां पर देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 का सी राइट आंसर है यानी यान कि यहाँ पर आपका ला व या और रा जो है आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे तो इस प्रकार आपके राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस रस संप्रदाय की प्रवर्तक मानी जाती हैं तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं एक सौ उन्नीस का राइट आंसर है आपका बी बहुत ही चल क्वेश्चन है बीर रस का आपका राइट आंसर होगा एक सौ बीस का विकल्प नंबर आपका सी यानी कि उत्साह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक सौ इक्कीस पूछा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल दोहा रोला या सौर्था? तो यहाँ पर छंद बताना है तो किस का सही आंसर सी राइट आंसर होगा यानी कि यहाँ पर दोहा है किस छंद में छब्बीस मात्राएं होती हैं और तथा यहाँ पर चौदह बारह पर यति होती है तो वह छंद बताना है छब्बीस मात्राएं होती हैं, चौदह बारह पर यति होती है और आपका यहाँ पर सही आंसर है एक सौ बाईस का सी यानी कि गीतिका। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक सौ तेईस पूछा है सौ सुख सुजत सुलभ स्वामी में कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अनुप्रास रूपक या व्यतिरित तो आपके यहाँ पर 123 का सही आंसर है यहां पर इसमें अलंकार बताना है तो अलंकार है तेईस में विकल्प नंबर सी यानी अनुप्रास आपका राइट आंसर होगा चरण कमल बंधो हरी राई में अलंकार रूपक उपमा या रूपा रूपा तो यहाँ पर ये चार विकल्प दिए गए हैं तो चरण कमल बंदो हरी राय में अलंकार बताना है तो 124 का सी राइट आंसर है यानी कि रूपक आपका सही आंसर है काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए यहाँ पर मूर्ख होना या निश्चित होना सचेत होना स्तब्ध होना तो आपका राइट आंसर होगा 125 का काठ होना तो आपका राइट आंसर 125 का विकल्प नंबर डी यानी कि स्तब्ध होना क्वेश्चन नंबर 126 पूछा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है तो 126 का सही आंसर आपका जो यहां पर होगा वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्ताइस पूछा है कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं आदि काल, काल भक्ति काल या आधुनिक काल तो आपके यहाँ पर एक का बी राइट आंसर होगा यानी कि भक्ति काल क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठाईस में से रीतिकाल के कवि हैं कौन है रीतिकाल के कवि तुलसीदास ब्रंद कबीरदास या सूरदास क्वेश्चन नंबर 128 है और रीतिकाल के जो कवि हैं वह ब्रंद हैं तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक पूछा है हुई वीरता की खालिस्तान के सांस झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान किस पंक्ति को पूर्ण करें यहाँ पर आपका जो है खालिस्तान भनना है यहाँ पर क्या होगा एक का तो यहाँ पर बी राइट आंसर है वैभव यहां पर हुई वीरता की वैभव की साथ सगाई झांसी में इस प्रकार आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर एक तीस पूछा है इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर तो बताइए नांगार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है तो 130 का ये राइट आंसर है, मैं उसे का जनपद का कवि हूँ विकल्प नंबर ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर एक सौ इकतीस पूछा है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है संस्कृत हिंदी प्राकृत या मैथिली में तो वह कृति है नागार्जुन की कि किस भाषा में लिखित है रचित है वह कृति तो का आपका डी यानी कि मैथिली में इसके जो मैथिली में रचित है उनकी वह कृति और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत केदारनाथ गोविंद गोविंद मिश्र या रामविलास शर्मा एक का ये सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक सौ तेतीसा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था तो धनपत राय जीवन राय या श्रीपत या अमृत राय तो यहाँ पर आपका कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम तेतीस का ए यानी कि धनपत राय आपका सही आंसर है हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है मनु भंडारी या मृदुला गर्ग या कृष्णा या चित्रा मदगल आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं तो चौतीस का ए राइट आंसर है यानी कि मनु भंडारी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है बताइए प्रेमचंद जी का वह अधूरा उपन्यास कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर एक सौ पैंतीस है और इनका अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र कौन सा है मंगल सूत्र आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर है आपका एक सौ छत्तीस आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है तो आषाढ़ का एक दिन ये जो रचना है किसकी रचना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है साल का एक दिन एक सौ छत्तीस का डी राइट आंसर है मोहन राकेश मोहन राकेश आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर एक सौ सैंतीस निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है बड़ापा उत्सव कुछ या कुटज तो एक सौ का सही आंसर होगा आपका कुटज कुटज ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तीस पूछा है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है तो एक सौ अड़तीस का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर यहां पर बी यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं प्रताप सरस्वती हंस या वर्षा क्वेश्चन नंबर 139 पूछा है प्रेमचंद जी जो थे किस पत्रिका के संपादक रहे हैं तो 139 का बी राइट आंसर है आपका हंस राइट आंसर होगा प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था तो जो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था एक किस वर्ष में हुआ था तो आपका सही आंसर है सन 1936 में 1936 आपका सही आंसर है आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते है। भारते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं इकतालीस का ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है नहीं पूछा है तो एक सौ बयालीस में आपका सही आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी रणधीर प्रेम मोहिनी आपका सही आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर आपका एक सौ तैतालीस है आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री प्रेमचंद्र केसूरी लाल गोस्वामी गोपाल राम गहमरी तो आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार जो है तो आपका राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है तो परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 144 का मोहन राकेश मोहन राकेश आपका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं 1 3 2 4 चिंतामणि है, चिंता है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और निबंध संग्रह है और इसके जो अब तक है जो भाग प्रकाशित हुए हैं वह चार भाग प्रकाशित हुए तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है मसीहा एक किस विधा की जीवनी है इस प्रकार पूछा जाए किस विधा की रचना है तो ये जीवनी है और किस साहित्यकार की है तो आपका छियालीस का सही आंसर सी यानी कि शरद चंद्र चटर्जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है अब चार क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं किस से एक गद्यान से संबंधित यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गद्यांश दिए गए हैं तो इनको पढ़ेंगे तो देरी लग जाएगी तो इनको छोड़ देते हैं इन चार क्वेश्चन को चार क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित पूछे गए हैं तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिंद